हालेलुया। प्रभु की पवित्र बाणी विच सिखांगे, बड़े ध्यान नाल सुनिए। परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर की बाणी, जबूर 107 अध्याय 20 वचन विच लिखा, वो अपना वचन कल के उन्हां नूं चंगा करदा है अते उन्हां नूं तबाही तों बचाउंदा है। वो कौन है जी? वो परमेश्वर है जिहड़ा अपना वचन इस धरती ते भेजदा। उहदा वचन कौन? यीशु मसीह। वो अपने वचन के द्वारा पूरे संसार नूं बचा रहा। उहदा वचन यीशु मसीह आ। यही वचन जदों स्वर्गदूत ने मां मरियम नूं आके सुनाए, उन्हें यह वचन लैके अपने मन विच इकट्ठा किया, तो वचन एक बालक का रूप धार गया। वह वचन यीशु मसीह सारे संसार के पापा की माफ़ी लिए तैयार हो गया। अज उहदे तो बिना, उस वचन तो बिना कुछ नहीं। परमेश्वर जिहड़ा वा वह अपने वचन के विच रहिंदा, इसलिए ये जिहड़े वचन इहनूं सुनो, ये वचन समझो, ये मुताबक अपने आप को ढालो। बहुत सारे लोग है ये वचन घर होंगे ने पर वचन की कदर नहीं करते। मेरे भाईओ, ये वचन पढ़ो, ये मुताबक अपने आप को ढालो। ये वचन जड़े ने साड़ी बेहतरी वास्ते आ, साड़ी तरक्की वास्ते आ। जेड़े लोग वचन पढ़ते हैं कोई शैतानी शक्ति हमला नहीं करते, कोई बवा बीमारी नहीं आती, उसकी हर मैदान फतेह होती आ, उसकी तरक्की होती आ। ये वचन बाणी कहती है मूसा ने इस धरती से साढ़े वास्ते लिया, बड़िया मुसीबतों के नाल, बड़िया परेशानियों के नाल ये दस हुक्म धरती से लिया। आप जो पढ़ते हैं कहो तो 13वें अध्याय 13 वचन इस लिखा, जिहड़ा वचन तोषी जानता है वह अपना नाश आप ही कर लैंदा, पर जिहड़ा हुक्म का भय मानता उन्हूं चंगा फल मिलता। मेरे भाईओ, अज बहुत लोग ने इस वचन पढ़ते आ, इस वचन रीझ ना सुनते आ, ते उहदे मुताबक अपनी जिंदगी गुजारदे आ, तो उस परमेश्वर दे कोलों बरकतां असीसां पाउंदे आ, उस परमेश्वर दे चमत्कार उहनां दी जिंदगी विच हुंदे ने। जिहड़े लोग वचन नूं तोशी जाणदे ने, वचन की कदर नहीं करदे, अज भी जाके वेख लो, अज भी उस तरह बीमारियां उहनां दे घरां दे विच, अज भी उह गरीबी आ, अज भी उह नशे आ, अज भी उह पाप आ, अज भी उह शराब, और रती बदले ही नहीं, क्योंकि यह वचन पूरे संसार विच अज तक 2300 तो बाद गोली में छप के पहुंचा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि प्रभु जी तुहाड़ी बाणी, तुहाड़ी बोली मैनू समझ नहीं लगती। हर बोली दे विच परमेश्वर ने इंतजाम किया। मेरे भाईओ ते मेरीओ भैणो, हर बोली विच परमेश्वर ने यह वचन सानू सिखाया वा, ते यह वचन बिल्कुल फ्री आ। उन्हें आख्या जाओ सारे जगत विच आके खुशखबरी का प्रचार करो, वचन तुहानू मुफ्त मिलिया तो मुफ्त लोगों विच जाके वंड दिओ। जदों लेखा होवेगा, जदों न्याय होवेगा, कोई भी यह नहीं कहेगा कि प्रभु जी तुहाड़ी बाणी महंगी बड़ी सी। उन्हें आख्या मुफ्त तुहानू मिलिया तो मुफ्त लोगों विच जाके इहनू बीजो। तो जिहड़े लोग इस वचन नू घर विच रख छड्दे ने, तुसीं सुणिया ना बाणी विचों, एक ने 3 तोड़े लए, 3 ना 3 कमाए, एक ने 2 ले, 2 ना 2 कमाए, एक ने 1 लिया तो भी जमीन विच दब सुटिया तो उन्हूं सजा मिली। ये वचन घर विच इदां नहीं रखने कि जिथे मर्जी सुट दो, जिथे मर्जी प्या रहा, नहीं। ये वचन सोने चांदी हीरियां दे नालों भी कीमती है। ये वचन रोज़ पढ़ो, ये वचन दे विचों रोज़ कुछ ना कुछ तुहानू मिलेगा, बरकत आउणगियां, असीसां आउणगियां, क्योंकि यह वचन परमेश्वर ने साडे बचाव वास्ते, साडी मुक्ति वास्ते, साडी बरकत वास्ते, साडी रूह नूं बचाउण वास्ते इत्थे धरती दे उत्ते भेजिया वा। सो तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा आत्मा कम करेगा, तुहाडे घरां दे विच सुख सलामती आवेगी, तुहाडे घरां दे विच बरकत आवेगी, तुहाडे जीवन दे विच इस वचन दे द्वारा बरकत आवेगी, क्योंकि कलाम च लिखिया आकाश दे थले धरती दे उत्ते होर कोई भी नाम नहीं, इको ही नाम है यीशु मसीह दा। यीशु मसीह सानू बचा सकते ने, यीशु मसीह सानू पार ला सकते ने, उही इस महंगाई दे समें दे विच साडियां जरूरतां पूरियां कर सकते ने। इस वचन दे द्वारा साडी जिंदगी दे विच खुशियां आउणगियां, तरक्की होवेगी, सेहत तंदुरुस्ती बनेगी, ते परमेश्वर दा पवित्र आत्मा साडे ताडे सारयां दे जीवन दे विच काम करेगा। प्रभु दे इस पढ़े गए कलाम ते उहदे सीस बरकत होवे। आमीन।